अभ्यास लेने का। आज तुम सब तैयार भी हुए यार। किसी को पसंद नहीं है फोटो खींचना? सबको ही पसंद है ना? मम्मा को ज्यादा शौक होता है पेरेंट्स को कि हमारे बच्चों की अच्छी अच्छी फोटोग्राफ हो। Am I right? Yes? Hazel? पसंद है ना फोटोग्राफ खींचना? नहीं? मैम को तो बहुत पसंद है। Hazel की फोटो अपने आप क्लिक हो जाती है। चलो, तो ये मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा था बिकॉज दैट इज एक्चुअली द you know the starting point and the reason behind why we're going to start with this course. It's a craze. बोलो ना craze, it's a trend today. ये आजकल हम लोग normal life ज़्यादा जीते हैं and अपने mobile phones, Instagram, Facebook, video recording and in fact ऐसा नहीं होता जब baby in fact born भी होता है तब से I've seen also there was this teacher of mine, I'm a graduate student. So she's a professor. She just got a she gave a birth to a baby recently. And the next day, her profile picture was of her babies and not her. So we can see how big it a trend is now. So यही reason है because नीचे तो सब एक distribute कर लेंगे एक कोई सब दे तो सब distribute कर लेंगे आपस में। और उनकी moms तो और भी ज़्यादा talented होंगी। तो यही reason है कि अच्छा एक और चीज मैं जो word देती हूँ festival बना event and tradition like this या मैं स्कूल में भी या कॉलेजेस में भी जब बात करती हूँ तो द वर्ड आई अटैच टू आजकल की जनरेशन इज ग्राम जनरेशन इट कम्स फ्रॉम इंस्टाग्राम जनरेशन खाना खाया क्या खाया पहला इंस्टाग्राम पे फिर वो फेसबुक के अंदर जाता है हम क्या कर रहे हैं आज हम रेडी हुए हैं हमें डांस करना है हम ये कर रहे हैं पहले इट गोज ऑन सोशल मीडिया देन इट कम्स टू अस और इट हैज एन इफेक्ट ऑफ अस सो इसी मोटो को इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्टार्टिंग विद द कोर्स ऑन मॉडलिंग एंड ग्रूमिंग सेशंस अब आप सबके दिमाग में सबसे पहले तो यही बात रही होगी कि शायद हम इंटरेस्ट में हमारा क्या स्कोप है इसमें हम ये क्यों करें मैं पहले ही ये बात क्लियर कर दूँ मॉडलिंग एंड ग्रूमिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको एक रैंप वर्क दिया हुआ है आप उस पर चल रहे हैं एंड योर यू नो किसी पर्टिकुलर क्लोथिंग ब्रांड को या किसी पर्टिकुलर कोर्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ये सब आफ्टर आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं इस कोर्स को मेन चीज़ होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं इनफैक्ट आजकल तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को 3 इयर्स 4 इयर्स दे पुट देयर किड्स इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस ताकि पर्सनैलिटी बिल्ड होगी तभी जब इंसान प्रेजेंटेबल होता है सिर्फ लुक्स वाइज नहीं होना चाहिए उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड द वे द पर्सन टॉक्स द वे पर्सन वॉक्स द वे द पर्सन सिट्स ये सब बहुत मैटर करता है सो यही चीज़ें हमारे कोर्स में भी इंक्लूडेड हैं जो भी चीज़ें कोर्स में सिखाई जाएंगी वो सिर्फ इसी मोटो को लेकर नहीं सिखाई जाएंगी कि अच्छा हमें रैंप वॉक करवानी है शो करवाना है या बच्चे को आगे लिंक फॉरवर्ड करवाने हैं पेड शूज दिलवाने हैं नो आ मेन मोटिव इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बच्चों की जितनी भी ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है उतनी हो एंड इट्स नॉट ओनली फॉर किड्स वी आर इंट्रोड्यूसिंग बैचेज अडल्ट के लिए तो होता है 18 से लेकर 26, 27, 30 तक बट ऑल्सो फॉर मॉम्स एंड डैड्स सो वी हैव ऑल 3 एज ग्रुप्स कवर्ड एंड 3 बैचेस स्टार्ट होंगे सो वी हैव विद अस मिस्टर तुषांत ही इज आवर फैकल्टी फॉर मॉडलिंग ही हैज डन अ लॉट ऑफ शोज बिफोर ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ हिज सोसाइटी इन हिज कॉलेज ऑल्सो एंड इन्होंने ही सोसाइटी फॉर्म की थी वहाँ पे इन्होंने ही रन की है बहुत सारे शोज किए हैं एंड आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोगों ने एक्चुअली फैशन शोज या कॉलेज शोज देखे होंगे लैक में ये फेमिना वगैरह वीक्स आई एम श्योर सब ने देखे होंगे मैगजीन्स भी आती हैं बट ऑल्सो द फैक्ट हिज दैर शोज फॉर एनजीओज ऑल्सो एनजीओज के भी शोज होते हैं यू विल देयर उनका क्या मोटो होता है वो लोग आपको कॉम्पिटिशन रखते हैं एंड यू टेक योर टीम देयर इफ यू विन देयर हैवी प्राइजेस सो इससे क्या होता है उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका प्रमोशन भी होता है सो ही विल इंट्रोड्यूस अस नाउ टू द कोर्स and also to what is the scope and हम कैसे सबको train करने वाले हैं जो जो हमारे course का part है